Searching for a longer day. Happy song again. Tapi, what are festival? सभी को हैप्पी संकेन। तो आज हम लोग जाने वाला हूँ टेंगा पानी और इम्पो। संकेन में हम लोग घूमने जा रहे हूँ। अभी मैं रेडी हो गया। अभी फिलहाल मैं वागुन में हूँ। यहाँ से अभी हम लोग निकलने वाला हूँ। वागुन से निकलने के बाद मैं दोस्त लोग से मिलेगा। मिलने के बाद यहाँ से हम लोग फिर जर्नी स्टार्ट करेगा। अभी हम लोग निकल रहे हैं। नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? देखो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो गया। ये वागुन बांदे भी जा रहे हैं आज। ये है वागुन बांदे का बाइक और ये है मेरा। अभी बारिश भी आ रही है। देखो थोड़ा देर में बारिश भी गिरने वाला है। पूरा भीग जाएगा आज। रेनकोट भी नहीं लाया। अभी मैं रास्ता में निकल के आ गया हूँ वागुन बुद्ध विहार से। तो आप लोग देखिए आज अल्लाह की किसी का वीडियो होने वाला है। जो बुद्धिस्ट लोगों का संकेन में एंजॉय होता है वो बारे में आप लोगों को मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आप लोग जरूर एंड तक वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग संकेन में पानी चलने जा रहे। देखो बारिश भी आ रहा है और यहाँ पे हम भी जा रहा है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. Finally, मैं तेंगा पानी गोल्डन पैगोडा में पहुंच गया और यहाँ मैं वाटर फेस्टिवल करने के लिए बहुत लोग आया है। देखिए चारों तरफ उपासक सबको देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हैप्पी संकेत लेके बैलून में लगाकर आसमान में उठाया गया है। हैप्पी संकेत लिखा हुआ है वहाँ में, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ में देखिए पंडे लोग ऊपर में स्टेज में बैठ के वहाँ पे बुद्धा गुण धम्मा गुण संगा गुण को नमन करते हुए स्टार्ट कर लिया। वाटर फेस्टिवल अभी होने वाला है कुछ ही देर में। तो आप लोग देखिए यहाँ पे बहुत लोग अपना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आया है। और यहाँ में दूर दूर से पसा को पसी का वाटर फेस्टिवल मनाने के लिए आया है। बंदे लोग को भी इनवाइट किया गया है। और ये देखिए ये अरुणाचल का मिनिस्टर है, यहाँ में पार्टिसिपेट करने आया है। और देखिए कितना सुंदर से पानी खेला जाता है यहाँ पे टेंगा पानी में। हर साल यहाँ में वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है टेंगा पानी और इम्पोंग में। और 11:20 को भिक्खु भंडे लोगों को सम खिलाने के लिए इनवाइट किया गया। तो सभी भंडे लोग आ गया यहाँ पे सम खाने के लिए। और देखिए यहाँ पे सब कुछ रेडी किया हुआ है ऑलरेडी। तो सब बंदे लोग आगे खा लिया। खाने के बाद तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी मोनेस्ट्री के चारों तरफ वो जो वाटर फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है वो उसका बारे में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। चलिए देखिए अभी वाटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है यहाँ में। बच्चा लोग के लिए भी तैयार किया गया है यहाँ में। बच्चा लोग भी खेल सकते हैं, बड़ा लोग भी।
पूरा का पूरा खटल पूरा भीग गया अभी तक। चलिए अभी आप लोगों तेंगा पानी गोल्डन पैगोडा को आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कितना सुंदर है, चारों तरफ आप लोगों को देखने मिलेगा। चलिए अंदर की ओर। अभी मैं मंदिर की ओर लेके आया हूँ आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ चारों तरफ फसल को पासी का ही देखने मिलेगा। सभी लोग आया है यहाँ पे वाटर फेस्टिवल मनाने के लिए और यहाँ में भगवान बुद्धा को नमन भी कर रहे हैं, मोमबत्ती भी जला रहा है, यहाँ पे प्रे कर रहे हैं नया साल जो देखिए। और यहाँ में भगवान बुद्धा को नहलाने के लिए यहाँ पे कुछ किया गया, वहाँ पे आप लोगों को मैं बाद में देखने मिलेगा, वो वीडियो क्लिप भी है। तो अभी देखिए कितना उपासक उपासी का आया है हम लोग का ज़्यादा, कितना थाउजेंड होगा पता नहीं, आप लोगों को बाद में देखने मिलेगा। और ये रहा आप लोग देखिए यहाँ पे कितना उपासक उपासी का पंडितों को पानी डालेगा, अभी नहलाने के लिए पानी लेके रेडी है पंडितों को नहाने नहलाने के लिए। तो उपासक उपासी का सभी लोग लाइन किया हुआ है, लाइन करके खड़ा हुआ है, एक एक करके सभी पंडितों को पानी पानी ढाला जाएगा अभी। तो देखिए यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो भी पानी डाल के आया है अभी, और जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आया है वाटर फेस्टिवल में तेंगा पानी गोल्डन पैगोडा में, तो सभी उपासक उपासी का लोग यहाँ में पंडितों को एक एक करके पानी ढाला जाएगा। इसका मतलब है कि पंडितों को नहला दिया ऐसा माना जाता है, क्योंकि पूरा सभी को एक एक ढालने से तो पूरा बहुत पानी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ढाल देता है। इसका मतलब पंडितों को नहला दिया ऐसा माना जाता है, तो सभी उपासक उपासिका सभी लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है। और देखिए सभी लोग लाइन करके पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए आ गया। पूरा का पूरा भीग गया। चलो अभी मैं मैडम को पानी डालूंगा। मैडम ठीक है मैम, आप कैसे हैं मैम? और भी कुछ देखेगा, यहाँ पे भगवान खुला मूर्ति भी है। नहीं यार अभी मैं जा रहा हूँ भगवान बुद्धा का वहाँ में पानी डालने के लिए। देखो यहाँ में पानी खेलते हुए बहुत सारे फसल पसी का जैसे कि मैं आप लोगों को हर ब्लॉग में दिखाता है कि ये भगवान बुद्धा को नहलाने के लिए किया जाता है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। चलिए लाइव देखिए गाइस, यहाँ से पानी डालेगा फिर वहाँ में पानी निकलेगा। सभी उपासक उपासी का लोगों ने पानी डालने के लिए हॉल में आ गया, तो मैं भी अभी जा रही हूँ। यहाँ में पानी फुल हो गया, पानी लगा
अभी मेरे फोन डालना है। तो यहाँ में देखिए, तो आप लोग देखिए ऊपर से पानी, यहाँ से पानी डाला जाता है, फिर ये यहाँ से पानी आ जाता है हमें। देखिए इतना बेहतरीन तरीके से पानी भगवान बुद्धा को नहलाया जाता है। यहाँ ये पानी सब धीरे धीरे गिरते हैं और घूमते रहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जितना भी पशु पक्षी का आया है हमें, सब लोग यहाँ में आके पानी बाल्टी में भरा के, पानी भरा के डालता है हमें। तो यहाँ से पानी डालने से यहाँ से आ जाता है, यहाँ से आ जाने के बाद पूरा नीचे में कनेक्ट किया हुआ है, तो ऊपर से पानी उठता है और ये घूमते रहते हैं और पानी गिरते रहते हैं। देखिए गाइस, हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम होने वाला है डांसिंग वगैरह, हम भी ट्रेडिशनल डांसिंग। यहाँ में स्टेज में बंटे लोग बैठा हुआ और उपासक उपासिका, ये लोग भी सांकेन खेलने आया इधर का। ये हम लोग का भांटे जी पानी खेल रहा है। ये लो। सो गाइस, अभी हम लोग टेंगा पानी का मोनेस्ट्री में घूम लिया, फिर अभी हम लोग जाएगा इंकॉम, जहाँ पे वहाँ का भी आप लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ पे भी सांगन का टाइम है, सभी लोग वहाँ में जाते रहते हैं। तो यहाँ भी फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे सांगन मना लिया, अभी इंकॉम की तरफ जाएगा। वहाँ पे बना वाला भगवान बुद्धा का मूर्ति है, वहाँ पे पानी डाल दिया जाएगा। अभी सभी हम लोग इंकॉम जाएगा, रेडी हो गया। देखो मेरा बाइक भी रेडी है, ये देखिए। मैं अब इंकॉम में पहुंच गया और यहाँ पे भी काफ़ी उपासक उपासी का लोग भी देखने मिल रहा है। देखो बहुत सारा उपासक उपासी का आया है यहाँ में। बड़ा वाला भगवान बुद्धा का मूर्ति है, यहाँ पे नहलाने के लिए आ गया सब उपासक उपासी का। पहले टेंगा पानी जाता है, फिर यहाँ पे इंकॉम में आ जाता है सभी उपासक उपासी का। तो देखिए हम लोग अभी पानी ले रहे हैं और जाके भगवान बुद्धा को हमें नहलाएगा, तो पानी लेके अभी जा रहे हैं। तो आप लोग एंड तक जरूर देखें। बड़ा वाला भगवान बुद्ध मूर्ति को पानी डालने जा रहे हैं। हम लोग अभी आया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ में नदी का पानी को मिनरल वाटर बनाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ में घूमने आए हैं सानकिन का दिन में, इंपोंग से वापस जाने का टाइम है, यहाँ पे घूमने आए हैं। और यह हमें कॉफ़ी कैफ एक है, यहाँ पे अभी सांकेन का वजह से बंद किया हुआ है, क्योंकि अरुणाचल में सांकेन 3 दिन तक मतलब बाज़ार भी बंद रहते हैं, सभी दुकान वगैरह सब कुछ बंद रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ में घूमने आया है।
देखो गाइस, वाह कितना सुंदर है। देखो मैं तो डर गया अभी, अचानक आ गया। यहाँ में एक है और ये साइड में देखो एक, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे। मुझे तो अभी नहाने का मन कर रहा है यहाँ में पंडित जी। इतना पुण्य होते हैं। नाइट का टाइम में नजारा ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइट भी लगाया हुआ है, देखिए ना क्या डिनर वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ में बैठते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं। तो अभी साइकिल का बजे से अभी बंद है ये कैब, देखने के लिए भी यहाँ में पूरा का पूरा सब सोलर है। सोलर से चलते हैं शायद ये। तो चलिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा DW ट्रेवलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मजा करते रहिए। बाय।